ये जो खतरनाक घाटी का दृश्य आप देख रहे हैं, ये मौत की घाटी है। और ये मौत का घाटी रामगढ़ का है, झारखंड के रामगढ़ जिले का है। शायद ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट आप लोग नहीं देखे होंगे अपनी पूरे जीवन काल में, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप बोरा देख रहे हैं ना, ये बोरा में सारा मक्के का जो वो दर्रा होता है वो है, और पूरा रास्ता में नहीं, पूरा बिखरा पड़ा है। ये दृश्य रामगढ़ घाटी का है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़े हुए हैं, मतलब एक एक पार्ट जो है सो मुश्किल हो रहा है यहाँ पे पहचानना। देख पा रहे होंगे आप, ये गाड़ी का फ्रंट है, और गाड़ी के फ्रंट का हालत आप देख करके समझ में आ रहा होगा कि कितना भयावार और भयानक एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का, जो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। इसमें दोनों ही, मतलब जो ड्राइवर और उपचालक होते हैं, वो बताया जाता है कि नहीं बचे, मतलब इतना खतरनाक है। और देख सकते हैं गाड़ी के कैसे टोटल एंगल का पूरा परखच्चे उड़ा हुआ है, तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। और इस गाड़ी में लिखा भी हुआ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले एक दो दशक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरनाक एक्सीडेंट 10 साल से ऊपर लगभग हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों का जान जा रहा है। और लोगों का जान इतना सस्ता है, इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, आसान है कि शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है इस रास्ते के बारे में सोचना, इस रामगढ़ घाटी के बारे में सोचना। शायद यही वजह है कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां पे एक्सीडेंट होता है। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दो गाड़ी हैं, एक ये हो गई और दूसरा आप इधर देख सकते हैं। इन दोनों गाड़ी के जो सामने वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग फ्रंट साइड से कहते हैं, जहाँ ड्राइवर उपचालक चालक बैठते हैं, वो दोनों का स्थिति मतलब दयनीय है। इससे पहले शायद आप लोग नहीं देखे होंगे कि इस तरह के प्रखच्चे उड़े हुए गाड़ी, और ये अलग है, दूसरी गाड़ी है, और ये दूसरी गाड़ी है। दोनों गाड़ी का हालत लगभग सेम है, और देख सकते हैं ये गाड़ी का जो फ्रंट का व्हील होता है वो है, और ये हालत क्या है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि गाड़ी का नंबर शायद देखने का प्रयास करें तो नहीं दिखता है। क्या भैया क्या देख रहे थे गाड़ी में? अच्छा, जानवर को खिलाना है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गाड़ी के ऊपर जो गाड़ी जिससे आगे का पहिया होता है वो है, और आगे का पहिया का परखच्चे उड़ा है। साथ ही साथ इस जो ट्रक है, ये ट्रक का हालत आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। मतलब ये शायद सौओं में या फिर हजारों गाड़ियों में ऐसा एक आध गाड़ी होता है जिसका हालत होता है इस तरह का, जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रामगढ़ घाटी है, और रामगढ़ घाटी नहीं बोलते इसको, मौत की घाटी बोलते हैं, और मौत की घाटी में हम लोग हैं, और जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ी का हालत आपको देख करके ही अंदाज़ा लग जाता होगा कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। देखिए गाड़ी के पूरे चक्के वक्के सारे के सारे उधर खुले पड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये गाड़ी का हालत है, पूरा गाड़ी ख़त्म। ये देख सकते हैं पूरा घाटी है, ये पूरा पहाड़ को चीर करके जो है सो यहाँ पे रास्ता निकाला गया है। और इतनी तेज़ स्पीड से गाड़ी आती है कि दोनों मतलब उपचालक और चालक दोनों ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं। गाड़ी के नंबर देख सकते हैं, NL01 है, Q8240 है, नागालैंड का गाड़ी है ये, और नागालैंड का गाड़ी चल करके झारखंड के रामगढ़ ज़िले में आकर के एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे नंबर से पता चलता है NL है, नागालैंड का है। और ये गाड़ी का नंबर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस गाड़ी का नंबर क्या है और कहाँ की ये गाड़ी है। ये गाड़ी के भी परखच्चे उड़े हुए हैं, लगभग पूरे ख़त्म हैं। इसका नंबर देखते हैं, CG04JD9424, यानी कि ये छत्तीसगढ़ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी का नंबर है CG04JD9424। ये भी गाड़ी बाहर की है, दूसरे स्टेट की है, और दूसरे स्टेट की गाड़ी देखिए कैसे एकदम हालत ख़राब है गाड़ी का। गाड़ी का पता चलता है मीटर वीटर आप लोगों को, कि गाड़ी का देखिए मीटर वीटर पता चल रहा है, जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ ड्राइवर बैठते हैं, वो है हालत ये पूरा का पूरा। ड्राइवर का चप्पल भी यहीं छूटा हुआ है, देख सकते हैं, शायद ही बचा होगा।
ये हालत है। देखिए इंजन कैसे खुला पड़ा है इसका, टूट के बिखर गया एकदम, पूरा मिट्टी चखनाचूर हो गया इंजन का। हालत देखिए, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, झारखंड के रामगढ़ ज़िले का है। और पूरी गाड़ी का परखच्चे एकदम बोलते हैं ना, पूरा ख़त्म हो गया एकदम, पूरा आगे पीछे पूरा पूरा बराबर हो चुका है। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, इसमें सारे के सारे जो सामान है वो भी बर्बाद हो ही गए हैं। और ये देख सकते हैं, पहाड़ को काट करके ये घाटी को बनाया गया है, लेकिन ये घाटी में लगभग लगभग महीना में लगभग 100 एक्सीडेंट से ऊपर होता है, लेकिन फिर भी किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं है कि इस घाटी में एक्सीडेंट कैसे कम किया जाए, उसको लेकर के पहल किया जाए, लेकिन कोई किसी को मतलब नहीं है। सरकारें आती हैं जाती है, लोग मर रहे हैं यहाँ पे, परवाह नहीं है। ये दृश्य है रामगढ़ के ज़िले का, रामगढ़ घाटी का। इतनी स्पीड में गाड़ी आती है कि ऑटोमेटिकली, मतलब जो इंसान संभल नहीं पाता है वो उसका जाना तय है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के एक्सीडेंट को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।